मेरा भारत, मेरी सांस्कृतिक, मेरी मिसाल, मेरी पहचान, सब कुछ मेरा भारत है। मेरा भारत मेरे तिरंगा की आन बान शान है। हमेशा ऊंचे पर्वतों पर मेरी तिरंगा लहराता रहे, मेरी भारत की शान लहराती रहे। भारत की शान मैं हूँ, भारत की सांस्कृतिक मैं हूँ, भारत की पहचान मैं हूँ, मैं हूँ क्रेडिबली इंडिया। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश अयोध्या से एक रिपोर्टिंग आ रही है कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक गांव-गांव जाकर विभिन्न तरह के बैंक खाते खोल रहा है, जैसे कि ऋण की सुविधा के लिए, किसानों के सुख सुविधाओं के लिए किसान कार्ड और रोजगार निधि योजना, प्रधानमंत्री योजना, बहुत सारी ऋण मुहैया कराने के लिए गांव-गांव के नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आइए, किसान भाई यहां पर मौजूद हैं, गांव के स्थानीय लोग। आइए, पीएनबी बैंक के द्वारा पहुंची इस टीम को और सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आगे एक रिपोर्टिंग देखिए, राविंदर चौबे जी हमारे सहयोगी लगातार एक रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। अगर चाहे किसान कार्ड तो जो अमूमन सभी बनवाते हैं, लेकिन व्यवसाय के लिए भी हमारे पास है। कोई अगर अच्छा व्यवसाय करना चाहे, इंडस्ट्री लगाना चाहे, उसके लिए भी है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना, विश्वकर्मा सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तरह तरह के योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं। बस करना आप लोगों को, अगर हमारी शाखा द्वारा आप लोग लाभान्वित हों तो हम चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे कि जरूर आप इसका लाभ लें। और बाकी प्रधान जी हैं या जैसे और सब लोग चाहें, आप जो संगठित व्यवसाय करना चाहें, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जैसे कहते हैं, उसको बना करके आप चाहें, महिलाओं का समूह है उसको बनवा करके आप चाहें, तो उसमें अच्छी छूट मिलती है। समूह आप लोगों के यहाँ बने हुए हैं? बने हैं। तो अभी समूह का कोई हमारे पास आया नहीं? इसमें कोई भी आदमी 18 से 50 साल तक और 18 से 70 साल तक कोई भी अपना बीमा कराता है, महीने में 1 रुपया देना पड़ता है। किसी भी एक्सीडेंटल दुर्घटना होने पर तत्काल उसको 2 लाख रुपए का मिल जाएगा। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, इसमें भी है 330 साल में कटता है, इसका भी 2 लाख का क्लेम है। इसमें किसी भी 18 से 50 साल तक किसी भी सामान में, जैसे कोई मान लीजिए सामान में हम आप रहते हैं, एक्सपायर हो गए, डेथ सर्टिफिकेट लेके आए, ये साहब को सामने क्लेम कर अगर मैं बताया जाऊँ आपको कि इससे कोई भी गांव का आदमी है, वर्तमान में अगर आप 2 लाख का बीमा लेने जाएंगे, समथिंग आपको 15 से 20 हजार रुपये देने पड़ेंगे ईयरली समथिंग। लेकिन गांव का आदमी इतना आर्थिक स्थिति से सीढ़ नहीं होता कि वो 10 से 18 आदमी अपना बीमा करा ले प्रेजेंट टाइम पे। ऐसा है जैसे कि ये जो बता रहे थे साहब, इन दोनों में क्या है कि आपका मिनिमम चार्जेस पे, जैसे घर आदमी के पास इनकम नहीं आती है भाई, एक आदमी घर में कमाने वाला है और कोई नहीं ऑप्शन है घर में, ऐसी कुछ बातें आती हैं, तो हम सब लोग रोड पर घूम रहे हैं या और सब काम कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, तो ये क्या है कि आप 2 रुपये मतलब 12 रुपये में अपने परिवार को एक्सीडेंटल मतलब दुर्घटनात्मक जीवन से बचा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हमें खासतर कोई बात हो जाती है दुर्घटना से, तो 12 रुपये जमा करके 12 रुपये आज की डेट में कोई महत्व नहीं है, 1 रुपये का देखा था 12 रुपये कोई महत्व नहीं है, तो 12 रुपये दे करके अपने परिवार को एक छत दे सकते हैं 2 लाख रुपए की, अगर मैं नहीं हूँ तो छत आपको काम आएगा।
दूसरा ये है कि आपका 330 रुपये अगर आप देते हैं तो आप इसको दोनों ले सकते हैं, 330 भी ले सकते हैं, 12 रुपये ले सकते हैं। तो दोनों में क्या है कि आपका 330 में मान लो सामान्य मृत्यु या दुर्घटना तक मृत्यु दोनों कंडीशन में आपको कवर करेगा। इसमें क्या है सिविल सेंटर कवर करेगा। दूसरा क्या है हमारे पास अटल पेंशन योजना है। इसमें क्या है कि जैसे कि हर आदमी कमा रहा है, पेंशन का ऑप्शन कहीं भी नहीं है, मोटा मोटा देखा जाए तो पेंशन में क्या है कि अगर आप कुछ पैसे महीनवारी जिसको बोलते हैं महीनवारी बोलते हैं गाँव में महीनवारी जमा करके आप अपनी पेंशन को फिक्स कर सकते हैं कि 5-10 जब मैं 400 का पूरा हो जाऊंगा मुझे ये पेंशन मिलेगी। दूसरा है कि अगर हमारी बेटियां हो रही हैं, मतलब हमारी बेटी है और उसके शादी की हमें चिंता है कि शादी कैसे करेगी उसकी, उसके लिए हम तो कुछ पैसे जमा करके अटल पेंशन सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता हमारे यहाँ खुलता है उसमें आप पैसा अपना जमा कर सकते हैं। ये मुख्य योजना अभी हमारे मौके पे हैं। फिर सर ने कहा स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा में क्या है जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं तो आजकल देख रहे हैं कोरोना ऐसा लोग भागे भागे दूसरे को कर रहे थे, तो उन सबसे चीज़ों से बचने के लिए क्या है कि हम 4,000-5,000 रुपये साल में अगर एक कुछ कहीं जमा कर देते हैं तो खुदा खास्ता अगर मान लीजिए हमें अस्पताल भर्ती होना पड़ा तो उस पैसे से अपना इलाज करा सकते हैं, खुद का, अपनी बीबी का, अपने बच्चों का। हम आपको एक स्वच्छा कवर दे सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। आपको हमारे पास मिनी मेड लाइफ की योजना है, उसमें आप कुछ पैसे जमा करिए, आपको 5-10 साल जब भी पैसे की आवश्यकता हो एक गोल बना के दीजिए, एक लक्ष्य बनाइए कि पैसा ये तब चाहिए, उस हिसाब से पैसा अपना जमा कर सकते हैं। ये हमारी मुख्य योजनाएं हैं, बाकी आप KCC के लिए और सब चीज़ों के लिए आपसे बात कर सकते हैं। 80 रुपया वर्ष में एक बार देना पड़ेगा आपको, आप, आपकी पत्नी और 24 साल से जो छोटे बच्चे हैं, 2-4 लोग कवर होते हैं। एक वर्ष का अगर आप उसे लाभ देते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें साथ भी कराइए आप, उसमें कुछ आपको कंसेशन मिलेगा, छूट मिलेगी आपको। प्राइस क्या मिलेगी कि सरकारी मिलेगी? नहीं, प्राइवेट का टारगेट है, जिससे भी टारगेट है हमारी बैंक का, वहाँ पे आप जाएंगे। आओ मिलकर माता रानी की पूजा करें और उनकी मनोकामनाएं शक्ति प्राप्त करें। आइए बुलाते हैं माता रानी वैष्णो देवी को मनाने वाले, और आप सभी का शुभकामनाएं और अच्छे से आप रहें, अच्छे जो है माता रानी को मनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, और नमस्कार। जिस प्रकार से कोई रिटायर्ड कोई है, पेंशन लोन हुआ, आज सुबह टाइम्स में राजेंद्र प्रसाद चौबे, शिक्षा क्षेत्र बीकापुर, विकास खंड बीकापुर। आज मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूरे चौबे रामनगर में मौजूद हूँ। यहाँ की टीम जो है हमारे यहाँ पंजाब नेशनल बैंक शाखा खजुराहट के अधिकारी लोग आए हैं, जो कि प्रधानमंत्री का एक कहना है कि आपका बैंक आपके द्वार। तो आज वो स्थिति आई है कि वास्तव में आपका बैंक आपके द्वार जो है मौजूद है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस समय हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूरे चौबे रामनगर शिक्षा क्षेत्र बीकापुर जनपद अयोध्या में मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य जी श्री छोटेलाल गुप्त जी, और हमारे पास हमारे साथ हमारे प्रधान जी अशोक कुमार यादव जी और तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हैं, जिनके बीच में अभी हमारे पंजाब नेशनल बैंक खजुराहट शाखा से चलकर पधारे हुए गणमान्य अतिथि, जो कि जैसा कि सरकार का कहना है कि आपका बैंक आपके द्वार, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है कि स्वयं आपका बैंक आपके द्वार पे चल के आया है और गणमान्य लोग आए हैं। अभी इसकी जानकारी आप लोगों के समक्ष रखेंगे कि सरकार की विकास योजनाएं क्या है,
और पंजाब नेशनल बैंक जो है वो हमारे ग्रामीण भाइयों को, शहरी भाइयों को कौन कौन सी सुविधा प्रदान कर सकता है। इसलिए यहाँ पे लोग सभी मौजूद हैं, पूरे स्टाफ के लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं। अभी आपको विस्तार रूप से अभी आप लोगों को जानकारी देंगे हमारे गणमान्य मुख्य अतिथि महोदय जी। धन्यवाद। पहले आप बताइए, आप एक कह रहे थे मुझे एक कंप्यूटर बिजली राज्य पूरा कंप्यूटर ध्वस्त हो गया। आप उसे कहिए बैंक वाले भेजे क्या, आप बताइए, आप ये कहते हैं अरे श्रीमान जी एक दिन चली जाएगी, दो दिन चली, एक दिन नहीं कहते भैया, सरकार की ऐसी बात है, ये हमारी आगे बात है, सरकार ही कहती है, बता रहे हैं कि वहाँ की चलिए दोस्त, और फिर किसी समय कोई सहूलियत होगी, कोई दिक्कत होगी तो हम उसके लिए आइएगा, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं हरदोई में पोस्ट था, एक ब्रांच हमारी सदर ब्रांच थी सदर चौराहे पर, और एक ब्रांच यहाँ जितना चौराहा सिनेमा रोड पर थी, सदर बाजार जो थी वो पुरानी ब्रांच थी, और जो चौराहे पर थी वो न्यू बैंक ऑफ इंडिया की थी, वो भी हमारी बैंक में विलय हो गई थी। लोगों से हम कहते थे सदर बाजार से, भैया वो यार वहाँ खाता खुलवा लो, तो एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन साहब अब यही खोल दिया हमारे पटवा, वहाँ से अच्छा काम वहाँ होता था, लेकिन नहीं जाना है। कुछ लोगों की ऐसा लगाव होता है, जैसे मेन ब्रांच भाई सुल्तानपुर की है, केनाई पड़ोस में है, बयागीपुर है, लेकिन वहां पर लोग क्या बोलते हैं, लाख कोशिश करो, वो भी हमारी इलाका है, लेकिन वहां पर नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।